गाइस दिस शगुन वेलकम टू द स्काई ट्रैपर एंड न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फेब रिवोल्यूशन फेब रिवोल्यूशन तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे अब हमें यह पढ़ना है कि फेब रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ 1917 सेवनटीन फेब रिवोल्यूशन ठीक है सो लेट्स सी so what we had read in the previous class, in the previous class we had read about feb revolution where people fought for their right and after that all the workers, soldiers combined together to form a soviet, or say council, defeat tsar nicholas and abolish the monarchy and also create a new provisional government. okay, so uh, for certain period of time everything was all right. now we have to see today uh, whether there is any change after feb. let's see what happened after feb. ओके okay, इन 1917 तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी मुनाक सिस्टम ख़त्म हुआ तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट किन लोगों से कंबाइन होकर बनी लैंड लैंड ओनर आर्मी ऑफिशियल और इंडस्ट्रियलिस्ट तो और इसमें सोशलिस्ट भी थे ठीक है लेकिन ज़्यादातर प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे ठीक है और सोशलिस्ट लोग भी इनका साथ दे रहे थे क्योंकि उस वक्त सबको इकट्ठे होकर मनाक सिस्टम ख़त्म करना था ठीक है नेकलस से मुक्ति चाहिए थी सबको ठीक इसलिए सोशलिस्ट भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे ठीक है तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जब बन गई तो अब क्या चेंजेस आए क्या सुधार हुए तो सुधार ये हुए कि जो पब्लिक मीटिंग्स थी एसोसिएशन्स थे इन पे क्या हो गया जो रेस्ट्रिक्शनस लगे थे वो हट गए ठीक और क्या हुआ पेट्रोगेट सोवियत की तरह हर जगह सोवियत बनने लगे सबको एक तरह से फ्रीडम मिल गई थी सब अपनी अपनी तरह से अलग अलग ग्रुप्स बना रहे थे सोवियट्स बना रहे थे ठीक है तो ऐसे चीज़ें चल रही थी अब एक नई शुरुआत होती है एक नई चीज़ आती है ठीक है 1917 में ही फेब मंथ निकल गया मार्च भी निकल गया और अब आया क्या अप्रैल ठीक है दो महीने बाद अप्रैल में अब जो एंट्री होती है वो होती है किसकी व्लादिमीर लेनिन की आप सोच रहे हो कि इनका नाम सुना सुना सा लग रहा है अरे भाई जब से चैप्टर स्टार्ट किया है तब से इनका हम जिक्र कई बार कर चुके हैं आज जो हमें जानना है कि आफ्टर ऑल ये हैं कौन ठीक है तो ये क्या है ये एक पॉलिटिशियन लीडर है एक पॉलिटिशियन है बेसिकली तो ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे बोल्शेविक एक पार्टी है रशिया की जो सोशलिस्ट वर्कर्स की पार्टी है जिसमें ज़्यादातर लोग रेडिकल थिंकिंग वाले कम्युनिज्म विचारधारा वाले लोग थे इनकी बोल्शेविक पार्टी में ठीक है अब ये वापस आए तो सवाल ये होता है कि ये थे कहाँ मतलब अब रशिया में अगर आए हैं इनकी पार्टी यहाँ पर है तो ये कहाँ थे ठीक है तो ये इनको निकाल दिया गया था या तो फिर बोल सकते हो कि खुद निकल गए थे ऐसा था कि ये प्रोटेस्ट बहुत करते थे निकलस के अगेंस्ट तो ये बहुत प्रोटेस्ट वगैरह करते थे तो निकोलस इनसे बहुत परेशान था निकोलस ने कहा भाई ये इस आदमी को ये जहाँ कहीं भी मिले पकड़ के मेरे पास लाओ तो लेनिन को लगा ये रशिया जगह इनके लिए खतरे से खाली नहीं है अभी यहाँ से चले जाना चाहिए तो ये रशिया से चले गए अब कब तक के लिए चले गए ये भी इनको नहीं पता था लेकिन ये चले गए अब जब क्योंकि रशिया में लेनिन का जो शासन था ख़त्म हो गया मनाक सिस्टम ख़त्म हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई तो अब इनकी एंट्री वापस से हुई ठीक है इन्होंने सोचा अब चला जाए अब चीज़ें सेटल हो गई हैं अब 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 खुद को कोई खतरा नहीं है वहाँ पे तो अब ये वापस आए ठीक है अब ये वापस आए तो इन्होंने जितने दिन भी रशिया से बाहर रहे इन्होंने अपना दिमाग जो भी लगाया हो कि हमें कैसे आगे चीज़ें बेटर करनी है तो ये सब इनके जो दिमाग की उपज अब ये लेके रशिया आ गए अब रशिया आ गए तो इन्होंने अब बोलना शुरू किया कि अब ये क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं ठीक है तो इन्होंने कहा आते ही सबसे पहले बोला जो सोवियत बन रहे हैं अब इनको पूरी तरह से टेक ओवर कर लेना चाहिए मतलब अब गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए पहली बात इन्होंने बोली ठीक है अब दूसरी बात सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले एक बात और ये लेनिन और इनके बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ठीक है ये दोनों लोग जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 का ठीक है अभी भी कंटिन्यू था क्योंकि 1917 ही है ना वर्ल्ड वॉर तो 1918 में फिनिश हुआ है तो ये और इनके लीडर्स वर्ल्ड वॉर वन को 1914 से ही अपोज कर रहे थे अब क्योंकि लेनिन रशिया में थे नहीं इसलिए कुछ कर नहीं पाए ठीक है ये एक पॉइंट और है अब सुनो इनकी जो इम्पोर्टेंट इनकी जो दूसरी डिमांड थी जिसको बोलते हैं लेनिन एप्रिल थीसिस ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि लेनिन की थीसेस क्या थी ठीक है क्या थी थीसेस किसके ऊपर थी तो देखो क्या है लेनिन की पहली अप्रैल थीसेस की पहली डिमांड थी जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर वन तो ये नहीं चाहते थे कि रशिया अब जर्मनी से अपनी लड़ाई अपनी जो भी है वो कंटिन्यू करे ये चाहते थे कि अब हम नहीं लड़ेंगे हम अपनी तरफ से पीस ट्रिटी साइन कर देंगे बाकी जिसको लड़ाई लड़नी है लड़े अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा देखो ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो आ, रशिया के साथ जो भी और कंट्रीज लड़ रही थी ना जर्मनी के अगेंस्ट लाइक यूएसए जापान फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह तो ये सब रशिया को अभी ये बोल रहे थे कि तुमने लड़ाई क्यों बंद कर दी है ना तुम कंटिन्यू करो ना ऐसे डर के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तब निकलस था ना उसके शासन में लड़ाई शुरू हुई थी ना अगर शायद लेनिन तब होते तो रशिया इन्वॉल्व ही नहीं होता और ना ही बात इतने आगे तक बढ़ती क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो सर्बिया से शुरू हुआ था सर्बिया ने सर्बिया गया था रशिया के पास मतलब हेल्प करने हेल्प मांगने के लिए तो अगर तब लेनिन होते तो शायद वर्ल्ड वॉर वन नहीं होता ठीक है लेकिन चलो कोई बात नहीं फिलहाल अभी इनका ये था कि अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे जो लड़ाई है जर्मनी के अगेंस्ट अब ये नहीं साथ देंगे ठीक क्यों ऐसा कहा था ये भी हमने जान लिया इनकी दूसरी डिमांड थी कि लैंड ट्रांसफर टू द दीजन ये तो चलो नई बात नहीं है ये तो ऑलरेडी वहां चल रहा था लेकिन फिर भी इनकी अप्रैल थीसिस में था तो हमें पढ़ना चाहिए ठीक इनकी तीसरी डिमांड थी बैंक्स भी नेशनलाइज अब नेशनलाइज क्या होता है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं नेशनलाइज का मतलब होता है चीजों को गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर देना ठीक है ये बैंक्स को नेशनलाइज करवाना चाहते थे क्योंकि तब जो बैंक्स जो बनी थी जो स्टार्ट हुई थी वो सिर्फ वेल्दी लोगों के लिए थी बड़े बड़े लोगों के लिए थी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर इसका फ़ायदा उठा पा रहे थे लेकिन अब ये चाहते हैं कि बैंक नेशनलाइज हो जाए और जिससे आम आदमी हैं जो वीकर सेक्शन है पुअर है उसको भी बैंक्स की फैसिलिटीज़ मिल सके तो ये तीन अप्रैल थीसिस में थी लेनिन की तीन डिमांड लेनिन की अप्रैल थीसिस में थी ठीक है समझ में आई ये छोटे छोटे शॉर्ट में तीन पॉइंट लिखे हुए हैं तुम जब आंसर लिखोगे तो इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो ओके और और भी क्या था अभी सुनते जाओ भाई अब इतने दिनों बाद आए हैं तो अपनी भड़ास तो निकलेगी ना तो ये भड़ास निकाल रहे हैं थे फाइनली ठीक है तो अब अब इसके अलावा और ये क्या चाहते थे ये चाहते थे कि जो बोल्शेविक पार्टी है इसका नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए सी तो तो ये सब ये चाहते थे अब सवाल ये उठता है कि जो इनके सपोर्टर्स थे जो इनके पार्टी के लीडर्स थे उनका क्या कहना था क्या वो इनके विचारों से सहमत हैं इन्होंने जो बोलना था इन्होंने तो बोल दिया लेकिन अब जो सुन रहे हैं जब तक वो एग्री नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी है ना तो हमें ये जानना है कि उनके सपोर्टर्स का क्या था वो क्या चाहते थे तो उन्होंने कहा भैया अभी तो तुम आए हो जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम थे नहीं ठीक है अब आए हो तो थोड़ा घूमो फिरो देखो आसपास क्या चल रहा है कैसा माहौल है है ना फिर आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ा दिन हमें शांति से रह लेने दो है ना बड़ी मुश्किल से हम अभी तानाशाही से हम थोड़ा सा दूर आए हैं थोड़ी शांति मिली है थोड़ा थोड़ा दिन चैन से रह लेने दो फिर हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे तो भाई ये सब हुआ ठीक है तो फिर चीज़ें थोड़ा सा शांत हुई लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तो आने थे तो चीज़ें बदलती गई अब आया क्या समर का टाइम देखो ये अप्रैल में आए ठीक है अप्रैल में थोड़ा वक्त निकल गया अब जून आया जून तक क्या था कि जो भी इंडस्ट्रीज थी उसमें ग्रुप्स बनने लगे कमिटीज बनने लगी फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उनकी कमिटीज बनने लगी मिलिट्री में कमिटीज बनने लगी तो इस तरह से ग्रुपिज्म हो रहा था ठीक ट्रेड यूनियन भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे ठीक है तो ये सारी चीज़ें समर uh, तक मतलब जून तक ये सब हो रहा था अब क्या हुआ uh, जो सोवियत बनाने की जो छूट मिली थी ना लोगों को कि अपने ग्रुप्स बना रहे थे तो इन्होंने इनको इतनी छूट मिली कि इन्होंने 500 सोवियत्स बना डाले 500, देख रहे हो मतलब इतना इनको छूट मिल गई कि इन्होंने 500 सोवियत्स और काउंसिल बना डाले अपने तो अब क्या हुआ कि एक दिन मीटिंग हुई कहाँ हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ठीक है तो जब यहाँ मीटिंग हुई तो इन लोगों ने जो 500 हंड्रेड सोवियत थे इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे भेजा ठीक है कुछ अपना डिस्कस करना हुआ कि आगे अब क्या करना है ठीक है प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई तो अब क्योंकि लेनिन बहुत अच्छे स्पीकर थे एक अच्छे लीडर थे तो लोग उनको फॉलो करते थे लोग उनकी बात मानते थे क्योंकि गवर्नमेंट बन गई थी लेकिन अभी भी अभी भी सुधार नहीं था ना अभी जो लोअर सेक्शन था जो पुअ वर्कर थे जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे पीजें थे अभी ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी बहुत सारी चीज़ें थी जो बदलनी थी तो लोग इनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे तो अब क्या हुआ जो प्रोविजनल पार्टी थी जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट थी तो उसको लगा कि बोल्शेविक पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है उसकी जो लोकप्रियता है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार कम हो जाए है ना हमको कोई समझे ना तो इन्होंने सोचा भाई अब कुछ करना चाहिए देखो अगर क्या होता है ना जब पार्टी एक ही पार्टी होती है एक ही गवर्नमेंट होती है तो फिर कोई लड़ाई नहीं होती जहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे दो दो पार्टी दो गवर्नमेंट आ जाती हैं अपोजिशन हो जाता है ठीक है तो डिफरेंसेस क्रिएट होने ही होने हैं ठीक है कहीं भी हो ठीक है सिर्फ रशिया में नहीं तो ये तो होना ही था अब प्रोविशनल गवर्नमेंट को लगा अपनी अपनी ताकत को बचाने के लिए अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सोचा कुछ तो करना चाहिए ठीक है तो बस कुछ करना चाहिए तो शुरू हो गए वो उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया किसने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने लीडर्स को अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया गोलियां चलवानी शुरू कर दी ये देख रहे हो लोग कैसे भाग रहे हैं इधर उधर ये ये सारी करतूतें किसकी हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट की अब भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट पे पास तो पार थी ना तो वही अपने पार का इस्तेमाल कर रही थी ये गलत तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए अब कोई भी सरकार जब पार में होती है सत्ता में होती है तो फिर वो ये सब करती है ठीक है तो यही सब कर रहे थे तो अब क्या हो रहा था ना कि बोल्शेविक को लगा कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को लगा कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो भी कर रही है सही नहीं करी इन्होंने क्या किया अब ये किसके लीडर्स को अरेस्ट कर रही थी ये बोल्शेविक पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करवा रही थी तो क्या हुआ कि आ, जो बोल्शेविक के लीडर्स थे उनको भाग के जाना पड़ा मतलब शहर छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि अगर वहाँ रहते तो फिर वो लोग उसे उन्हें मार देते या फिर अरेस्ट कर लेते कुछ भी करते तो इस वजह से वो एक तरह से अत्याचार करी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट दूसरे लोगों के साथ अभी अपोजिशन नहीं था लेकिन क्योंकि अब ऐसा रिएक्शन आ रहा है दूसरी साइड से तो ऑबियस है अपोजिशन तो बनेगा एक दूसरे के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होंगे डिफरेंसेस तो क्रिएट होंगे ठीक है तो जो ये सब कारनामे किए प्रोविजनल गवर्नमेंट में यही सारी वजह बनी किसकी अक्टूबर रिवोल्यूशन की ये सारी चीजें जून जुलाई में हो रही हैं ठीक है अब जो ये कितनी देर कितने दिन तक अत्याचार कर पाएंगे एक महीने दो महीने तीन महीने जुलाई अगस्त सितंबर तीन महीने निकल गए उसके बाद लोगों से सहा नहीं गया और देन फिर अक्टूबर में हो गया क्या अक्टूबर रिवोल्यूशन ठीक तो यही सारी वजह थी अक्टूबर रिवोल्यूशन की और फेब के बाद जो हुआ वो हमने आज देखा ठीक है और अब हम नेक्स्ट क्लास में अक्टूबर रेवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे कहां से क्यों शुरू हुआ अच्छा एक बात और आ, जो शहरों में था जो शहर के अंदर तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले अपना अपना रुतबा दिखा रहे थे जो लोग वो मार रहे थे अरेस्ट कर रहे थे लेकिन कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ क्या हो रहा था वहाँ अपना अलग ही रिवॉल्यूशन चल रहा था वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटीज़ जो होते हैं ना रॉयल uh, ब्लड मतलब बड़े बड़े लोग उनसे अपना चल अपना डिमांड कर रहे थे कि हाँ जमीनों को किसानों तक बांटे अपनी जमीनें जो उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो किसानों में दी जाएँ उनका अपना अलग ही चल रहा था वो साइड में अपना बिजी थे ठीक है और दूसरी तरफ अपना शहर में दूसरा चल रहा था लेकिन दोनों एंड पे अपनी अपनी तरह से रिवोल्यूशन चल रहा था कंटिन्यू था तो तो गांव में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का आ, प्रोसेस चल रहा था उसके लिए फिर क्या हुआ लैंड कमेटीज़ बनाई गई उनको हैंडल करने के लिए अब वहां भी तो कोई चाहिए ना हैंडल करने के लिए इसलिए जो विलेजेस में थी लैंड कमेटीज़ बनाई गई और जुलाई से सितंबर के बीच सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ने पीजेंट्स की हेल्प की और चीज़ों पे मतलब लैंड्स पे ज़मीनों पे कब्जा करना भी शुरू कर दिया था मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था ठीक है नोटिस रखना ये यहाँ पे जुलाई से सितंबर की बात की गई है इधर जुलाई सितंबर यहाँ भी काम चल रहा था काम क्या चल रहा था एक तरह से रिवोल्यूशन चल रहा था छोटा सा और शहरों में तो बड़ा वाला चल रहा था जहाँ गोलियाँ चल जाएं वो छोटा रिवोल्यूशन नहीं होता है आ, एक तरह से क्रांति टाइप्स जिसको हिंदी में बोलते हैं रेवोल्यूशन को ठीक है तो यही सब हुआ था आफ्टर फेब आई होप समझ में आया होगा और अब तुम्हारा काम ये है कि तुम जो फेब रिवोल्यूशन था और फेब के बाद क्या हुआ इन दोनों चीज़ों को एक बार वीडियो देखने के बाद इनको दिमाग में एक कहानी की तरह चीज़ों को रिलेट करना है ठीक है रिलेट करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में अक्टूबर रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को रिलेट करोगे पहले से पढ़ के आओगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं तब तक क्लियर रिवाइज़ करो खाओ पियो मस्त